अंदर से फुल भरी हुई है तो बाहर लोग खड़े हैं। जूम चेक करें गाइस। सुबह के 6:45 और हम लोग निकल रहे हैं मस्जिद ईद नमाज पढ़ने के लिए। सो गाइस दिस इज आवर ईद लंच। और कैन यू गाइस बिलीव इट, ये 700 साल पुरानी मॉस्क है। ईद मुबारक। चांद मुबारक एवरीवन। ईद मुबारक अबू, ईद मुबारक, चांद मुबारक। बहुत है मुबारक अबू। कैसा रहा इत्तेकाफ अम्मी? शुक्र है कि हो गया। आप लोग के दुआओं से, सबके दुआओं से एक घंटा सोते थे बस। हमारे लिए दुआएं की? बस वो तो अल्लाह को पता। कितनी की है मुझे ये बताएं, कितनी की है? बहुत की है। बस वो अल्लाह को पता, रिजल्ट अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे अफसोस है कि एक रोजा नहीं हुआ, 10 होने चाहिए। हाँ, वाकई प्रॉपर चाहिए मुझे। ओके। तनख्वाह कटेगी वरना। ओके। हमारे पास स्त्री की टेबल नहीं है तो हम तो ये हमारे ईद के कपड़े हमने निकाल लिए हैं। ईद के लिए मेरा एक और जोड़ा है लेकिन अभी मैं मॉस्क ये पहन के जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सिंपल सा इनका मॉस्क तक जा रहे हैं तो मैं ये वाला पहन लेती हूँ। सिंपल सा भी और ये ब्लैक भी है सो हम लोग मैचिंग वगैरह भी कर सकते हैं साथ में। उसके अलावा अब जल्दी जल्दी फटाफट तैयार होती हूँ, सुबह के बज रहे हैं 6 और ईद मुबारक। ईद मुबारक। सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं मस्जिद और मेरी चप्पल उतरी। यार मैं पता नहीं ठीक किया है नहीं कि इतनी सर्दी में मैं चप्पल पहनकर आ गई पर इतने बुरे लग रहे थे शलवार कमीज के साथ शूज। माय बेबी, ईद मुबारक एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, मजे में होंगे। आज है जी ईद का फर्स्ट डे। सुबह के 6:45 और हम लोग निकल रहे हैं मस्जिद ईद नमाज पढ़ने के लिए और हम जा रहे हैं तोंगवान मॉस्क जो कि इस प्रोविंस की सबसे बड़ी मॉस्क है और आज मैं पहली बार देखूंगी उसे। ईद आई एम एक्साइटेड। विल्दान बहुत एक्साइटेड, आज विल्दान ने स्कूल की छुट्टी की है और विल्दान नमाज पढ़ेगा और हमने अपने साथ ये अपने प्रेयर मैट भी उठा लिए हैं और ये विल्दान का स्टाफ भी उठा लिया। अम्मी सऊदी अरब से विल्दान के लिए लेकर आई थी तो आज मैंने इसको सोचा कि आज हम इसको पहनाएंगे बट अभी नहीं, हम मॉस्क में जाके पहनाएंगे। मॉस्क में थोड़ी टाइम मिलेगा, बस चलते हैं देखते हैं। इसके अलावा जी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो क्लिक दैट बेल आइकन सो यू गाइस कैन नेवर मिस अ वीडियो। अभी हम लोग बस चलते हैं, निकलते हैं। हमारी दीदी आ चुकी है और इससे पहले कि वो चली जाए वो था, मेरे पास कोई ब्लैक दुपट्टा नहीं था कि मैं इसके साथ ये पहनती तो मेरे पास एक ये ब्राउन कलर का स्कार्फ रखा हुआ था तो मैंने उसको वो पहन लिया। मॉस्क जा रहे थे तो ऑब्वियसली यार ठंड हो रही है बहुत, हाथ मेरे फ्रीज हो रहे हैं। मुबारक एवरीवन। ओके गाइस, तो अब हम लोग निकल चुके हैं और ये स्कार्फ मुझसे बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है। कभी मैं इसको कैसे सेट कर रही हूँ, कभी उसको मैं कैसे सेट कर रही हूँ। मेरे अंदर से मैंने सही से बाल बंद किए थे। तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी काफ़ी दूर है मॉस्क, तो आधा घंटा हमें लगेगा पहुँचने में। हैं 7:30 पे खुतबा है और 8 बजे आएगा नमाज होगी। हम लोग हमेशा लेट हो जाते हैं। आज सोच रहे थे हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँचेंगे लेकिन आज से हम पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। सो अभी स्कूल टाइम है तो अभी गए ट्रैफिक चेक करें, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये विल्दान को पहनाते हैं। कैसे बनाते हैं मुझे तो याद ही नहीं। ओके वेट वेट विल्दान, ऐसे बनाते हैं यूट्यूब पे देख। ऐसे बनाते हैं? नहीं गलत बना रही हूँ। ईद मुबारक, से ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओके ओके गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं। किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं। हाँ हाँ शायद कोई
कुछ चाइनीज मुस्लिम फैमिलीज हैं, ये भी जा रही हैं मॉस्क की तरफ, ये सब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से इस रोड से सारा ट्रैफिक वगैरह सारा ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ से हमें पैदल चल के जाना है उधर तक, वो रही तोंगवान मॉस्क। मना कर रहे मेहरान को ले गए, मेहरान को मुझे इधर खड़ा कर दिया, ईद नमाज के लिए भाग रहे। ओके गाइस, सो मुझे तो अंदर नहीं जाने दिया, तो अब मैं बाहर खड़े होकर वेट कर रही हूँ मेहरान का। और यहाँ पे हो रही है मस्जिद के बाहर तक लोग हैं, ये है मस्जिद सामने और मस्जिद पूरी फुल भर जाती है तो बाहर तक लोग आ जाते हैं। मस्जिद तो गाइस अंदर से बहुत बड़ी है, अंदर से फुल भरी हुई है, तो फिर बाहर लोग खड़े हैं। चलें जी, नमाज हो गई, ईद की नमाज हो गई। लोगों का गाइस ऐसा लग रहा है कोई उमरा का सा समय है। आधा घंटा हो गया है यहाँ पे और रश खत्म नहीं हो रहा है, मतलब इतने माशाल्लाह माशाल्लाह इतने तो मुश्किल हमारे अभी स्कार्फ सेट किया और अभी हम लोग जा रहे हैं मेहरान के पास, उसने मुझे लाइव लोकेशन सेंड किया तो अभी हम लोग उसी के पास जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लोग चलते फिरते विदान को ईदी मिल विदान ईदी, वाओ विदान गॉट सो मच ईदी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। विदान वेट, मे बी यू कैन गेट मोर ईदीस, इट्स अ गुड आइडिया, यस। This mosque is 700 years old. Eid Mubarak! Oh my God! Oh, you got Eidi? किसने दी? Uncles? किसने दी है? ये लोगों ने चलते फिरते दी। ये 700 years old. 700 years old mosque है. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या मतलब क्या क्या? मैं आपको ढूंढ रहा था असल में ना। तो मैं आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैंने सोचा कोई चाइनीज होगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। घूम रहे हैं ना आपके से इधर। अच्छा अच्छा, इतनी ख्वारी के बाद फाइनली वी आर हियर। ये भी भरी हुई थी थोड़ी। माशाल्लाह, से ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मस्मुक। माशाल्लाह, مرحبا بكم, مرحبا بكم, مرحبا بكم।
Wildan, Eidi. It's Eidi. Thank you. Eid Mubarak. Shishe. Okay, bhai, Wildan to ameer ho raha hai. More? I think right. You want to go or to stay? You want to go or you want to stay? हाँ भाई, मैं देख रही हूँ कितना लाइक करती है आंटी. मेहरान के साथ किसी आंटी ने ली या नहीं ली? हाँ मेहरान, हाँ वो कह रहे हैं पहले एक आंटी घूम रही है उसके साथ. तुम एक ही वार्निश को कैरी करो. ओ मेरा फोन गिर गया, बचत हो गई यार, हाथ फ्रीज हो रहे हैं. अब फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. विल्दान की ईदी जमा हो गई है भाई. वो लग रहा है वो नहीं होते. विल्दान अमीर हो गया. जो भिकारी विल्दान को मेले के जा रहा हूँ. भिकारी अपने बच्चों को छोड़ देते हैं भाई, जमा करो पैसे. पूरी मॉस खाली हो गई है, पर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि कहीं ना कहीं से विल्दान को ईदी मिली जा रही है. हर जुम्मे को मिले क्या होगा. विल्दान भी जाने की बात कर रहा था, जैसे ही पैसे मिलते हैं ना चुप करके खड़ा हो जाता है. ईद मुबारक डॉक्टर. ये वो जो हमें उस दिन इफ्तार पार्टी में मिले थे. और कैन यू गाइस बिलीव इट, ये 700 साल पुरानी मॉस्क है. इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है और अंदर सब कुछ बंद हो गया, वरना मैं आपको दिखाती आज कितनी नेकियां कमाई हैं हम सब ने. अस्सलाम वालेकुम. अरे अंकल कोई पैसे वैसे लेके खड़े हुए इधर साथ से. मिल जाए इधर से कड़क नोट लेके खड़े हुए. अच्छा, ये इनसे तुम अगर एक्सचेंज कराने हैं. ओके गाइस, चेंज कर लिया है अपना गेटअप. मेरा दिल कर रहा था झुमके शुमके पहनने का, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं. चलते हैं अभी अंदर की तरफ. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. सॉरी. अस्सलाम वालेकुम. ईद मुबारक. ईद मुबारक. ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम. ईद मुबारक. ईद मुबारक मालाओशी. ईद मुबारक. ओके. ईद मुबारक. विल्दान वेलकम. Easy time. Thank you. You can say that like. Say she. She. Guys, this is our Eid lunch. Yes, yeah. Thank you very much. So guys, अब हम यहाँ पे बैठ चुके हैं ईद लंच करने के लिए. हम मतलब पूरे फैमिली की तरह रहते हैं, जैसे हम मुसलमान पूरे मतलब भाई भी हैं. यूनिटी है हमारे बीच में, इसमें तो कोई शक नहीं. दे आर वेरी वेलकमिंग. दे आर वेरी नाइस पीपल. दे आर वेरी वेलकमिंग. और ये तो आप सबको ही पता है. इतना जब से मैं चाइना में आई हूँ तब से आप लोग मुझे इनके साथ देख रहे हैं. वेरी नाइस. तो अब ये खाना गाइस आता ही रहेगा, बिकॉज दिस इज चाइनीज कल्चर. नेवर एंडिंग ट्रीट. और खासतौर पर कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो तो उस पर तो यस. अच्छा, ये ईद स्पेशल है. सोनथांग. ये ईद स्पेशल है. जैसे हम सेवइयां बनाते हैं ना, तो ये लोग स्पेशली ईद पे ये बनाते हैं सोनथांग, क्योंकि ये लोग मीठा तो बिल्कुल खाते ही नहीं है ना. मीठा कभी भी आपको इनकी टेबल पे नजर नहीं आना. जो मैं पाकिस्तान से ड्रेस लाई थी वो आपने क्यों नहीं पहना? वो कह रही मैंने वो नमाज क्लोथ्स बना लिए इन्होंने.
Very good. First time in 6 years. दस परसेंट कट हमारा, दस परसेंट हमारा है। यार हमें भी देनी चाहिए शायद बच्चों को। ओके गाइस, सो अभी मैं यहाँ पे घर पे हूँ और मेहरान लोग गए हैं कब्रिस्तान, वहाँ पे इनके जो डिसीज्ड लोग हैं फातिहा पढ़ने के लिए। तो अभी यहाँ पे बच चुके हैं दो और मेहरान गए थे, मैंने आपको बताया था कि ग्रेवयार्ड गए हैं वहाँ फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें फ़ोन किया तो अभी मतलब 2 घंटे हो गए उन्हें गए हुए, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि हम जस्ट पहुँचे, तो आने में भी उन्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई हुई थी, मैं 5 बजे सोई हूँ, 5:30 बजे उठी हूँ और फिर 6 बजे तैयार होके हम लोग 6:45 पे घर से निकले हैं। सो बहुत 6:45 या 7 तक हम लोग घर से निकले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, बिलदान को भी थोड़ा सा सुलाती हूँ। मैंने सोचा था पिक्चर्स वगैरह लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ईद का डे ऐसे स्पेंड करेंगे, पर सो गुड, अभी तक तो हमारा मतलब ईद का डे बहुत अच्छा गुजरा। सोच रही थी कि मैं क्या करेंगे हम लोग ईद पे क्या करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिलदान भी बोर हो रहा है साथ साथ क्योंकि फिलदान के फ्रेंड्स भी चले गए। ओह माय गॉड, यहाँ से व्यू चेक कर कितना ऊपर है अभी इस टाइम। This is for you and this is for mama. Okay? Okay guys, so finally मैं अपनी नींद पूरी करके उठ चुकी हूँ और अभी तक मेहरान वगैरह नहीं आए, और मुझे अब जाके पता चला है कि इनका जो ग्रेवयार्ड होता है वो शहर से बाहर होता है, लाइक इनके किसी विलेज में जाके होता है। 3 घंटे उन्हें जाने में लगे हैं तो आने में भी इतना ही वक्त लगेगा, और बीच में वो कुछ लोगों के घर विजिट भी कर रहे हैं, पर ये तो मोए मोए सीन हो गया हमारे साथ। बट हमारे और भी कुछ प्लान्स थे जो कि नहीं हो पाए, तो अब हम लोग के वो कल ही होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बैठी हुई अपना ऑरेंज एंजॉय कर रही हूँ और उसके साथ साथ ये चाइनीज़ टी एंजॉय कर रही हूँ और कर रही हूँ मेहरान का इंतज़ार। ऐसा ही गुजर रहा है हमारा आज पहला दिन ईद का इन चाइना। यार ये पता नहीं कौन सा किस चीज़ का प्लांट है, ये कि बेरीज हैं क्या है, ये रियल प्लांट इनके घर पर रखा हुआ है। तो जी फाइनली पहुंचे मिंखा सिटी और यहाँ कब्रिस्तान जाने से पहले ये लोग पहले वजू करते हैं और उसके बाद कब्रिस्तान क्योंकि बहुत हिली एरिया पे था तो वहाँ नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती थी क्योंकि रोड बहुत पतले थे, तो हम एक और गाड़ी पे बैठे जो कंपैरेटिवली छोटी थी। फाइनली 15-20 मिनट सफ़र करने के बाद हम कब्रिस्तान पहुँचे, और ये इनका ट्रेडिशन है कि ये हर ईद पे फर्स्ट डे पे ज़रूर कब्रिस्तान जाते हैं। ये इनका एक फैमिली ग्रेवयार्ड था जहाँ इनके सारे फैमिली मेम्बर्स बरीड हैं, तो बेसिकली ये लोग कब्र के अराउंड बैठ जाते हैं और वहाँ कुरान पाक पढ़ते हैं, मतलब जितना पढ़ सके। और यहाँ कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर हम गए इनके ग्रेट ग्रैंड की कब्र पे, जहाँ इन्होंने एक उनका बहुत डिफरेंट और बड़ा सा श्राइन बनाया हुआ है, जाके उन्होंने कुरान पाक पढ़ा और फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद फिर हम निकले इनकी विलेज, इन्होंने हमें अपनी विलेज विजिट करवाई जहाँ इनके फार्म एनिमल्स थे, इनकी ज़मीनें वगैरह थी वो उन्होंने दिखाया। हम उतर नहीं सकते थे क्योंकि हमें वापस जाना था, बहुत लेट हो गया था। और इसके बाद हम फिर इनके कुछ फैमिली रिलेटिव्स के घर गए जहाँ इन्होंने हमें बहुत खाना खिलाया और हम खा के पागल हो गए थे। गाइस दे आर बैक, रात के टाइम, रात हो गई है इस टाइम बाहर, ये देखिए रात हो गई है और अभी ये लोग वापस के मैं मर जाऊंगा इतना खाऊंगा तो बहुत खाया आज मैंने भी, मैंने घर में रह के इतना खाया है, घर में खाया, दूसरे घर में खाया, तीसरे चौथे घर में भी खाया, और इतना खाया जिंदगी में मैंने इतना हलाल नहीं खाया। पुट द डक्स बैक, से थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो Let's go back home. Yes. Baba, bring us a basa go. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Wildan keh raha hai Eid Mubarak. I'll give you 100 rupees. Rupees nahi hai, ye yuan hai. Okay, give me. Love is guys. Eid Mubarak. That was so much. Fun to get easy and see you in the next vlog. Bye bye.